देश में महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभा रही है, जिसके सम्मान में शहर महिला कांग्रेस कमेटी ने महिलाओं का सम्मान किया। हर क्षेत्र में महिलाएं अपनी अहम भूमिका निभाकर अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही हैं। इसी कड़ी में उन सभी महिलाओं के सम्मान के लिए शनिवार को दुर्ग के राजीव भवन में शहर महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षता कन्या ढीमर के नेतृत्व में महिलाओं का सम्मान किया गया। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही महिलाओं का सम्मान किया गया। साथ ही इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ महिला कांग्रेसियों का भी सम्मान किया गया। शहर पहुंचे विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल, सभापति राजेश यादव ने इस आयोजन की सराहना की और इन सभी के द्वारा महिलाओं को सम्मान स्वरूप कांग्रेसी गमछा और प्रतीक चिन्ह दिया गया। इस अवसर पर शहर महिला कांग्रेस कमेटी की सारी महिलाएं विशेष परिधान हरी साड़ियों में नजर आई और कार्यक्रम में सम्मान समारोह के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम की छटा बिखेरी गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाएं राजीव भवन कार्यक्रम में सम्मिलित हुईं। शहर विधायक अरुण वोरा, शहर महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा कन्या ढीमर और समाज सेविका वरिष्ठ कांग्रेसी रत्ना नारामदेव ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार दी है। जो महिला सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कन्या ढीमर और उनके सभी सहयोगियों ने मिलकर किया है, जो दुर्ग शहर में जो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो या अन्य किसी क्षेत्र में, जिनके पास एक लंबा अनुभव है, जिनके अनुभव का लाभ हम आने वाली पीढ़ी को दे सकते हैं, उनका आज सम्मान समारोह उन्होंने आयोजित किया है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यह पहला आयोजन है। मैं इस पहले आयोजन के लिए श्रीमती कन्या ढीमर और उनके सभी सहयोगियों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे आयोजन से आने वाली पीढ़ी को एक नया संदेश मिलता है, प्रेरणा मिलती है। कोरोना काल के बाद बहुत बड़ा सम्मेलन जो महिलाओं के लिए रखा गया है, सशक्तिकरण के कारण रखा गया है। आज महिलाओं को ये आभास हो गया है कि यदि हम घर से चौकी चूल्हे से निकलकर घर से बाहर आते हैं तो आज हमें हमारे अधिकारियों का सम्मान मिलता है और उन्हीं के सम्मान के लिए आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और बहुत अच्छी तरह से किया गया। माननीय अरुण वोरा जी के माध्यम से यहाँ महिला कांग्रेस के द्वारा रखाया गया है। मैं माननीय भूपेश बघेल जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज महिलाओं के मन में इतना उत्साह भर गया है कि रोज़गार जो जिस तरह महिलाओं को रोज़गार के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये महिलाओं में एक नए ऊर्जा लाने की कोशिश की गई है। और आज आप खुद देख रहे हैं कि आज कांग्रेस राजीव भवन हमारा पूर्ण रूप से पूरे भवन में भरा हुआ है, तो ये महिलाओं में उत्साह है और उन्हें ये मालूम है कि हम लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली बात करते हैं तो बच्चियों को पढ़ाने के लिए भी अग्रसर करते हैं और हर जगह के हर फील्ड में जो काम कर रही महिलाएं उनका भी सम्मान किया गया है और वरिष्ठ महिला कांग्रेस जो है उन लोगों का भी सम्मान किया गया है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी सभी महिला, हमारी जो बहनें यहाँ पर आई हैं कि वो अपना समय निकालकर आज कांग्रेस भवन में उपस्थित हुई। ये करें हम जो आज हमन महिला कांग्रेस के जो बहिनी मन है, हमार जो पदाधिकारी मन है, ये मन सब जन बोलीस दीदी हमार मन के जो ये पद है पहली बार हो मिले है हमला और काम करे के भी मौका मिले करके, जो हम टीम में है 22-20 जन वो पूरा जन तो ब्लॉक अध्यक्ष लेकर महामंत्री और उपाध्यक्ष सचिव सब जो हमार बहिनी मन है, मीडिया प्रभारी सभी मन, मतलब हमन सोचे हन और ये मन सब मिल के बोले है कि हमन एक बार हमन सम्मान सबके करते हैं जो यह महिला दिवस के थ्रू में हमन आज तक मनाए नहीं हन, ओमे होली आगरी सोनी कर पाहन, होली मिलन नहीं मिला हन, इससे अच्छा हमन महिला सम्मेलन रखते हैं जिनमें सबके सम्मान होना चाहिए। एक तरीका से सम्मान भी है जो अपन बस्ती अंदर जाथन बस कई जन ऐसे कि भीड़ लबला बढ़ा लेते पर ओखर मन के आज तक ना कोई सम्मान नहीं करे बेच बना के, तो हमन बेच लगा के पूरा 60 वाट की पूरा जितना हमारे महिला बहन है वो माला हमन सम्मान करें, जो एक रेजा कुली से लेकर रिक्शा चालक से लेकर एक डॉक्टर से लेकर एक ऑफिसर से लेकर जो आप पुलिस अधीक्षक है वकील है ओकर से लेकर पूरा एक आम जो घरेलू गिरनी है ओकर भी सम्मान हमलन करना चाहतन करके पूरा महिला कांग्रेस की ये एक सपना रही से और वो सपना साकार करे बर ये मन पूरा महिला कांग्रेस वो ये सपना था एक येरी से कि ये सबको सम्मान हमन करथन दीदी करके एकर से तीन है सब महिला कांग्रेस की तरफ से ये सम्मान समारोह हम महिला बहनी के लिए। यूं तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है और छत्तीसगढ़ प्रदेश के दुर्ग जिले में महिलाओं का सम्मान लगातार किया जाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।